हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी दोस्तों। आशा करते हैं अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो हम आपको बताएंगे कि गूगल क्रोम में किस तरीके से आप किसी का भी शॉर्टकट ऐड कर सकते हो, यानी आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुंच जाओगे जब आप शॉर्टकट ऐड कर दोगे। चलिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं मैंने दो शॉर्टकट ऐड कर रखे हैं, जैसे एक ब्लॉगर का है, एक व्हाट्सएप का है। चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है और किस तरीके से आप ऐड करेंगे। मान लीजिए आपको यूट्यूब का शॉर्टकट ऐड करना है, तो आपको ऐड शॉर्टकट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप उस शॉर्टकट को जो भी नाम देना चाहते हैं वो नाम दे सकते हैं। मैं सिंपली YouTube ही दे देता हूं। देने के बाद में नीचे आ जाता है URL। तो दोस्तों, URL वो होता है जो उस साइट का लिंक होता है। जैसे कि अगर आप पॉपुलर साइट का देखोगे तो पॉपुलर साइट का सबको पता रहता है। पॉपुलर साइट का जैसे www.youtube.com डालोगे तो अपने आप ही यूट्यूब ऐड हो जाएगा। चलिए मैं करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने YouTube और www.youtube.com लिख दिया है। उसके बाद मैं जैसे ही डन करता हूँ वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा YouTube आ गया है। चलिए अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं आपको तो देख सकते हैं आप यहाँ पर ये वर्क कर रहा है। मान लीजिए अगर आप कोई पॉपुलर साइट को नहीं कर रहे हैं या आपको URL नहीं पता है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको अगर ट्विटर का ऐड करना है तो यहाँ पर आप डालेंगे ट्विटर डाल के आपको सर्च करना है। और सर्च करने के बाद में देख सकते हैं आप यहाँ पर लॉग इन ऑन ट्विटर, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में फिर इसका एक URL जनरेट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे वैसे ही अपने आप ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना। और कॉपी करने के बाद फिर हम दोबारा से ऐड शॉर्टकट पे जाएंगे। और ऐड शॉर्टकट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जो नाम देना है उसका वो दे सकते हैं। मैं सिंपली ट्विटर ही दे देता हूँ। और ट्विटर देने के बाद में आप URL में पेस्ट कर देंगे जहाँ से हमने URL कॉपी करा था। और उसके बाद में हम डन करेंगे। और डन करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ट्विटर आ चुका है। तो ये तो हो गया हमारे पॉपुलर साइट्स का। चलिए मैं अभी आपको अपने चैनल का करके दिखाता हूँ कि अपने चैनल को डायरेक्टली कैसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले आपको YouTube पे ही जाना है। और YouTube पे जाने के बाद में आपको सिंपली अपने चैनल को सर्च कर लेना है। और चैनल सर्च करने के बाद में आपके सामने आपका चैनल आ जाएगा। आने के बाद में सिंपली आपको उसे ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर मेरा चैनल ओपन हो गया है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वही URL को आपको कॉपी करना है। और URL आप जैसे ही कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद में फिर प्लस पे जाना है आपको। और उसके बाद ऐड शॉर्टकट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम डाल देता हूँ, जिससे मुझे ध्यान में रहे कि हाँ ये मेरे YouTube का चैनल है। और URL में फिर दोबारा से मैंने जब URL कॉपी करा था उसको मैं पेस्ट कर दूंगा, उसके बाद मैं डन कर दूंगा। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारा एक शॉर्टकट और ऐड हो चुका है यहाँ पर नीचे। ये हमारा चैनल का हो गया। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखेंगे तो आप मेरे को डायरेक्टली आप मेरे चैनल पर पहुंच जाएंगे। इस तरीके से आपका शॉर्टकट ऐड हो जाएगा। किसी भी साइट का कर सकते हैं, वेबसाइट का कर सकते हैं, अपनी साइट का कर सकते हैं, अपने चैनल का कर सकते हैं, फेसबुक का कर सकते हैं। आपको जिस भी चीज का शॉर्टकट ऐड करना है कर सकते हैं। सारा खेल इसमें URL का होता है। तो URL हम इसको कहते हैं जो कि हमारी एक साइट पे एक लिंक जनरेट हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको हम URL कहते हैं। तो इस तरीके से आप URL के थ्रू सारे शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं। जितने भी आपको ऐड करने हैं वो सारे शॉर्टकट्स आप ऐड कर सकते हैं। जो नाम देना है वो नाम दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।